Hey friends, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. फ्रेंड्स, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां जाहिर है कोई भी दिल से तो जाना नहीं चाहेगा, मगर फिर भी हमें अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो पड़ती ही है। तो वहां जब आप जाते हैं तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर पाते हो ना कि ये डॉक्टर है, ये नर्सेस हैं और ये पेशेंट्स हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि डॉक्टर्स नर्सेस को हम आसानी से पहचान क्यों पाते हैं? शायद आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि उनके ड्रेस कोड की वजह से, उनके वाइट कोट की वजह से और उनके गले में लग के स्टेथोस्कोप की वजह से। तो जवाब एकदम सही है, जी हाँ, हम उन्हें पहचान पाते हैं उनके ड्रेस कोड की वजह से ही। मगर क्या आपने कभी सोचा कि डॉक्टर्स हमेशा वाइट कोट ही क्यों पहनते हैं, किसी और कलर के कोट को यूज क्यों नहीं करते? तो जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स एक सफेद कोट पहनते हैं जो कि उनके घुटनों तक होती है, जिसे एप्रन कहा जाता है और यही उनकी पहचान होती है। एक्चुअली ये मेडिकल फील्ड में शांति और ईमानदारी को व्यक्त करता है। ये डॉक्टर्स के टेंशन भरे माहौल में उनके शरीर के तापमान को नॉर्मल रखता है और ये रंग पेशेंट की आंखों को राहत पहुंचाती है, क्योंकि इस फील्ड में साफ सफाई का भी बहुत अधिक महत्व है। तो जब कभी भी सफेद पर गंदगी या किसी तरह की हार्मफुल केमिकल या किसी और तरह की इन्फेक्टेड चीज लगती है तो फौरन पता चल जाता है और वो उसे आसानी से चेंज कर पाते हैं, ताकि वो अपने को और मरीज को किसी भी तरह के संक्रमण से बचा सके। इसके अलावा हॉस्पिटल में आने के बाद मरीज भी तनाव भरे माहौल में पॉजिटिव रह सके, इसलिए भी डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं। साथ ही सफेद रंग ईश्वरत्व का प्रतीक भी है। ईश्वर के बाद डॉक्टर्स धरती पर ऐसे लोग होते हैं जो किसी की जान बचाकर उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। तो आप अभी जानते हैं कि डॉक्टर्स व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं टुडेज फैक्ट्स की ओर। क्या आप जानते हैं फेस को कभी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे फेस में इरिटेशन और ड्राइनेस होता है। क्या आपको पता है अगर हम अपने बालों को डेली धोते हैं तो इससे हमारे स्कल्प में मौजूद नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं, जो कि स्वस्थ बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए बालों को हमेशा ना धोएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।